भाई भाई यार कि नहीं, मतलब सच में विश्वास नहीं हो रहा है जो मैंने देखा है आज भाई। थिएटर में लिटरली लोग चिल्लाने लग गए थे, पागल हो गए थे, मतलब इतनी एक्साइटमेंट, मतलब लोग इतने पागल हो सकते मैंने ये सोचा नहीं था। और ये भाई मार्वल वाले ऐसा दिखा सकते हैं ये भी सोचा नहीं था, मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद थी लेकिन सच में दिखाएंगे नहीं भाई, ये अनएक्सपेक्टेड था। तो देखो मैं पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स है भाई, वो अपने रिस्क पे देखना, फिर मत कहना कि भाई स्पॉयलर दे दिया। तो भाई सभी को पता है कि कैंग के भाई हज़ारों वेरिएंट्स है, जो लोग कैंग को कॉमिक्स से फॉलो करते तो उनको पता है कि भाई कैंग के हज़ारों वेरिएंट्स है और वो सभी के सभी एक से बढ़कर एक पावरफुल है। मतलब जहाँ अगर आप किसी भी तरीके से एक वेरिएंट को हरा देते हो तो भाई उससे पावरफुल वेरिएंट किसी और यूनिवर्स में ज़रूर अवेलेबल होगा। तो हमें ये पता था कि भाई इस मूवी में हमें बहुत सारे वेरिएंट्स कैंग के देखने को मिलेंगे, बट जो उन्होंने दिखाया दिया है भाई ये सच में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। तो सबसे पावरफुल और सबसे फर्स्ट जो वेरिएंट हम कह सकते हैं रामाटूट, जो कैंग का वेरिएंट था, तो उसको भी फाइनली इस मूवी में, इस पोस्ट क्रेडिट सीन, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया है। और उसके यानी कि कैंग के अदर वेरिएंट्स भी, तो उससे भी पता चलता है भाई रामाटूट में कितनी पावर से और रामाटूट कितना पावरफुल है। तो अब सीधा भाई मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है और उसके लिए अब रामाटूट रेडी है। और जब उसके दो वेरिएंट्स उससे पूछते हैं कि तूने किस किस को बुलाया है, तब रामाटूट बोलता है कि भाई अगर हमने ये कुछ किया जल्दी नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे, तो इसलिए मैंने सभी को बुला लिया है। और भाई फिर उसके बाद हमें जो कैंग्स के वेरिएंट्स की लाइन दिखाई जाती है, भाई 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 2, 4 उसके बाद में 6, 10, 100 भाई हज़ारों वेरिएंट्स कैंग के हमें देखने को मिला। जिन जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स में देखा है तो वैसा सेम सीन हमें इस मूवी में देखने को मिला है, वही सीन, वही सारे हज़ारों वेरिएंट्स एक असेंबली में जमा हुए है भाई। अब आगे मार्वल में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है भाई। तो देखो डीसी में ब्लैक एडम ये बोलता रह गया कि भाई ब्लैक एडम पूरे डीसी यूनिवर्स को चेंज कर देगा, मगर हमारे कैंग द कॉन्करर ने बिना बोले ही पूरे मार्वल यूनिवर्स को चेंज कर दिया है। थैनोस लगता था कि ये एक बड़ा थ्रेट है, मगर कैंग भाई उसका भी बाप है। तो देखो सच कहूँ तो मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने मूवी नहीं देखी है। तो भाई मैं एक या फिर दो दिन में इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, एकदम फुल एक्सप्लेन करूंगा उसमें कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो भाई उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और क्या तुमने मूवी देखी या फिर देखने वाले हो वो भी ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट्स में।